सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फोन खरीदना काफी डिफिकल्ट काम है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड है अपने अपने नए चीज लेकर आते हैं। एंड्रॉयड फोन खरीदना काफी कठिन है क्योंकि आईफोन में तो एक ही ब्रांड है और दूसरा कुछ नया हमेशा लाता है और एक ही कंपनी है, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे नए चीज, कभी ड्यूअल कैमरा, कभी बड़ी बैटरी, तो इसलिए आपको परेशानी ना हो इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ कुछ 5 से 6 मजेदार ट्रिक्स और टिक्स जो आपको मदद करेंगे फोन खरीदने में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने बजट को ध्यान में रखिए। आप किस सेगमेंट में खरीदना चाहते हैं, कोई 5,000 खरीदना चाहता है, कोई 10,000, कोई 20,000, 25,000, तो सबसे पहले आप अपने अमाउंट को चेक कीजिए कि हाँ आपको कितने में खरीदना है और उसके बाद ही आप फोन चेक कीजिए। और दूसरा टिप्स की बात करें तो आपको सबसे पहले देखनी है डिस्प्ले, और 2018 में डिस्प्ले मतलब 80:9 एस्पेक्ट वाला डिस्प्ले, क्योंकि उससे अच्छा आज अभी वही चला हुआ है। तो आप जब भी फोन खरीदे तो उस फोन का डिस्प्ले में आप जरूर देखिए कि 80:9 डिस्प्ले और साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले हो। भले सबसे जरूरी चीज है बैटरी, क्योंकि पूरा दिन मोबाइल को चलाना है और जो ज्यादा गेम खेलते हैं, मीडिया देखते हैं, उनके लिए तो बैटरी और भी आवश्यक है, तो इसलिए आप बैटरी में ध्यान दीजिए। और सब कम से कम अगर आप फोन ले रहे हैं तो कम से कम 3,000 से ऊपर के बैटरी लीजिए, उससे कम के बैटरी आपको अगर हैवी यूजर है तो साफ ही बेकार बैटरी होगी 3,000 से नीचे। आजकल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि फोटो खींचना हर कोई चाहता है, जब कहीं घूमने गए या दोस्त के साथ पार्टी कोई भी चीज हो वहां फोटो खींचना आजकल तो ट्रेंड है, इसलिए कैमरे के मामले में भी आप थोड़ा सा सचेत जरूर रहिए। और अगर आप 10,000 या ऊपर से जाते हैं तो उसके लिए कम से कम आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ड्यूअल रियल कैमरा हो, क्योंकि ड्यूअल रियल कैमरा से आप बुके इफेक्ट वाली फोटोज, अच्छी वीडियोज, 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप कम से कम ड्यूअल रियर वाले कैमरा फोन खरीदे जो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगी, और साथ में अगर लो लाइट भी फोटो आप लेते हैं तो ड्यूअल कैमरा आपको काफी हेल्प करेगा। बैटरी की हो गई, डिस्प्ले की हो गई, आप मूवी भी देख लेंगे, फोटो भी खींच लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उन सबको रखने के लिए स्टोरेज। अगर स्टोरेज ही नहीं हुआ तो आप मूवी नहीं रखेंगे तो देखेंगे कैसे, फोटो भी क्लिक करेंगे तो कहाँ रख पाएंगे, इसलिए स्टोरेज भी बहुत होना जरूरी है। और आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको जरूर मिले, क्योंकि आजकल तो 10,000-12,000 के फोन में 64 GB आराम से मिल जाते हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि 64 GB ही इंटरनल मेमोरी हो, क्योंकि ऐप भी बहुत सारा डाउनलोड करें, क्योंकि आप आजकल ऐप और गेम कौन नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके फोन में रैम होना, क्योंकि अगर रैम ही नहीं होगा तो आपका फोन लैग करेगा, आपके मैनेजमेंट ठीक नहीं रहेगा फोन का, जिससे आप ज्यादा ऐप्स रखेंगे तो काम नहीं करेगा ठीक से और स्लो हो जाएगा, काफी लैग करने लगेगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप कम से कम 4 GB रैम तो जरूर रखें, क्योंकि रैम पर ध्यान देना भी काफी जरूरी है, और 4 GB से कम रैम आपके लिए, अगर आप हेवी यूजर हैं और गेम ऐप्स रखते हैं तो एकदम 100% है कि आप कम से कम 4 GB वाले रैम ही वाले ही फोन खरीदें। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, आजकल दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक तो स्टॉक एंड्रॉयड और दूसरा कस्टम रोम। तो कस्टम रोम और स्टॉक एंड्रॉयड अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप स्टॉक एंड्रॉयड ही खरीदें, क्योंकि उसमें आपको लोड ज्यादा नहीं होता है जिससे आपका फोन काफी फ्लूइड काम करता है। तो इसलिए क्योंकि प्रोसेसर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको फोन को पूरी तरह कंट्रोल करता है, अगर वही अच्छा नहीं हो तो 4 GB रैम होना, 64 GB इंटरनल स्टोरेज होना कोई फायदेमंद नहीं, इसलिए आप स्टोरेज और रैम को ध्यान देते हुए साथ में प्रोसेसर पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रोसेसर होना भी बहुत जरूरी है। और प्रोसेसर की बात करें तो आप आज मीडियाटेक की प्रोसेसर वाले फोन ना खरीदें, जैसे ओप्पो और वीवो आजकल अपने फोन में लाता है मीडियाटेक का प्रोसेसर, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए अपने रेंज में रह के ही स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर CPU वाला प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कम से कम 435 ही शुरुआत कीजिए, लेकिन स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर ही लीजिए। जो एक और जरूरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, क्या करते हैं कि 2015 का फोन 2018 में खरीद लेते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा लोग एप्पल के यूजर हैं, दिखाने के लिए वो 2015 का iPhone 5, iPhone 6 2018 में खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि 2015 का फोन अगर आप 2018 में यूज करते तो सबसे बड़ी बात तो आपको वो फीचर्स नहीं मिलेगा, नया आपको लेटेस्ट OS नहीं मिलेगा, तो इससे आपको काफी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस ईयर में भी आप मोबाइल ले उस मतलब एक साल पीछे हो तो ठीक है, लेकिन अगर 4 साल 5 साल, जैसे 2015 का फोन अगर 2018 में ले रहे, ये कभी गलती ना करिए आप।